सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आपको मोबाइल बैंकिंग यूज करना बहुत सख्त जरूरी है। इसमें आपको बहुत सारे फ्यूचर आपको मिल जाते हैं, जैसे मनी ट्रांसफर, बिल रिचार्ज, ये बहुत सारे आपको ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से छोटी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक्सिस मोबाइल बैंकिंग आपको इंस्टॉल कर लेना है। पहले से मैंने आपको इंस्टॉल कर लिया, चलिए इसमें इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग लेगा, आपको इस तरह का इंटरफेस आपके पास यहाँ पे खुल कर आएगा। आपको थोड़ा यहाँ परमिशन मांगा, आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे इस तरह से आपको परमिशन देगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक परमिशन आपको मिलेगा अलाउ देने का, आपको यहाँ पे अलाउ देना है। अलाउ देने के बाद आपको यहाँ पे टू ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आई है, यहाँ पे आया आपको ओपन न्यू। अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप सेविंग अकाउंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ा आपको प्रोसेसिंग लेगा, आपको थोड़ा पे वेटिंग करना है। यदि कि आपको यहाँ यदि कि टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना, आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना। आपको एक परमिशन आपको मांगा जाएगा, आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा आपको यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा आपको वेटिंग करना, ये थोड़ा यहाँ पे लोडिंग आपको लेगा। यहाँ पे जिस भी कस्टमर के नाम से ये अकाउंट है वो कस्टमर का यहाँ पे आपको नेम डालना है, ये डम्स को एक्सेप्ट करना, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना। चलिए फटाफट से यहाँ मैं कस्टमर का नाम डाल देता हूँ, जो कस्टमर का नाम वो नाम यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। ये कस्टमर का नाम मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। आपको डम्स को एक्सेप्ट करना, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए आपको 6 डिजिट का आपको यहाँ पे लॉगिन एम पिन पिन बनाना। जब भी नेक्स्ट टाइम अभी एप्लीकेशन को बार बार लॉगिन करेंगे आपको ये एम पिन मांगा जाएगा, वही एम पिन आपको यहाँ पे फिल करना, तभी ये इसको यहाँ पे आप लॉगिन कर पाएंगे। चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं एम पिन यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, जो एम पिन मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ वो एम पिन यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। एम पिन फिल कर दिया आपको यहाँ पे, आपको एक यहाँ पे पॉपअप मैसेज देखा, आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे 2 स्टेप यहाँ पे मेरा पिन यहाँ पे एम पिन सेट हो गया। आपको यहाँ पे 3 स्टेप आपको यहाँ पे बाकी है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू पे आप क्लिप भी क्लिप चीज़ मंगाया स्टेट बाई और ब्रांच प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे ब्रांच का एक कोड मंगाएगा, मेरे पास ब्रांच का कोड नहीं, तो देखिए आप यहाँ पे कंप्लीट न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। आप स्किप पे क्लिक करके यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। पे जैसे क्लिक करते हैं आपके इस तरह का एंट्री पेज आपके पास खुल के यहाँ पे देखिए डाउनलोड योर अकाउंट स्टेटमेंट एंड PDF फॉर्म, ये आपको यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आपको दिखा देगा। लेकिन आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे आप ये टेंशन मत लिए, मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ पे एक स्टेप आप फॉलो करना है, नहीं तो आपका जब भी पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे वो पैसा वहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। एक स्टेप आपको फॉलो करना है, आपको वहाँ पर पूरे तरीके से वहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा आपका बैंकिंग मोबाइल। जब भी पैसा ट्रांसफ़र करने जाए तो वहाँ पर आपका पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, वहाँ से आपको वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा वहाँ पर, वो तब तक पूरा आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तब तक वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए आप स्टेटमेंट में आकर करना चाहते हैं नहीं कर सकते, आपको देखिए यहाँ पे इनको मैसेज आ गया, आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा लोडिंग लगा, देखिए आपको यहाँ पे 2 स्टेप आपको यहाँ देखिए, अगर आपका पहले से इंटरनेट बैंकिंग बना तो आप लॉगिन करके लॉगिन आई डी या पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं, मेरे पास यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे डेबिट कार्ड दिया है, मेरे पास यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड, मैं इसका डेबिट कार्ड का नंबर डालूंगा, यहाँ पे एक्सपायरी और मंथ डालूंगा, और जो ATM का पिन है वो हमको पूरा डाल के आपको कन्फर्म पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए फटाफट से पूरी डिटेल्स के मैं फिल कर देता हूँ। आपको यहाँ पे ऑप्शन है प्लीज़ इंटर योर एम पिन, आपको यहाँ पे एक एम पिन बनाना है। जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे आपको यही एम पिन में आएगा, तभी ट्रांजेक्शन आप कर पाएंगे। जैसे ही डाला देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का आपको पॉपअप यहाँ पे मैसेज आपको खुल कर आ जाएगा। और मैसेज आएगा यहाँ पे देखा है योर रिसेंट ट्रांजेक्शन विल अप्रूव हेयर योर क्यू ट्रांजेक्शन एट, ये आपको देखिए यहाँ पे आप 2 डे के अंदर में ऐसे ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू हिस्ट्री आपको एट पे का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं पूरा हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पॉपअप मैसेज क्लिक हेयर का ऑप्शन आपको पर हम पूरी तरीके से एक्सिस मोबाइल बैंकिंग में ओपन हो चुके हैं। पूरी से देखे जो मेरा टोटल अकाउंट बैलेंस दिख रहा था वो मैंने डेबिट कार्ड के लिए पे करा था चार्ज, वो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे देखे 590 रुपये हमके एक्सिस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में शो कर गया। यहाँ देखे अकाउंट आपको देखे फंड ट्रांसफर PDF TDS आपको क्रेडिट कार्ड सबको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग से बहुत सारा फ्यूचर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए कि एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग किस तरह से ओपन किया जाता है। अगर ये वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन कमेंट करें आप नीचे पूछ सकते हैं।